कांग्रेस कमेटी दोनों उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, पछाद और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के, उनके लिए पूरी सक्रियता के साथ जो है वो जुट गई है। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी जो हैं वो पछाद के बाद धर्मशाला में अब उनका प्रवास है अगले चार दिनों तक, और चार दिनों तक पूरे सभी कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार सामने देख कांग्रेस के खिलाफ जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि हमारे जो पार्टी के झंडे डंडे हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग जो है वो सरकार का पिट्ठू बनकर जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे जो हैं वो जगह जगह पे कोई खंभों के ऊपर, सरकारी जो स्थान हैं उन स्थानों के ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है चुनाव आयोग ने नहीं की है, जबकि हमारे जो झंडे डंडे हैं उनको उखाड़ रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। हमारा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर सभी एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट जो विजय इंद्र करण हैं उनको जिताने के लिए एकजुट हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ये सब चीज़ें कर रही हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।